कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए जीते जी अपना शरीर दान करने का प्रण लेने वाले अंबाला के अरुण इंसा को दिल्ली में दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल में जब पूरे विश्व के साथ साथ भारत भी गंभीर रूप से इस महामारी से जूझ रहा था, तब कोरोना की दवा के ट्रायल के लिए जीवित इंसानों की जरूरत थी। भारत में सबसे पहले इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए अपना शरीर आगे करने वालों में अरुण इंसा सबसे आगे थे। हरियाणा के अंबाला में रहने वाले डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी अरुण इंसा शाह सतनाम जी क्लीनेस्ट वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्य हैं और इसी ड्रेस में इन्होंने दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड हासिल किया। बकौल अरुण, यह सब पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा से संभव हुआ है। आपको बता दें कि इस कार्य के लिए अरुण इंसा को पहले भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। सर, ये जो लड़का है ये मुझे राष्ट्रपति भवन से मुझे फोन आते हैं, गुरुजी इस लड़का के लिए मुझे राष्ट्रपति भवन से फोन आते हैं, बोलते हैं इस लड़का को आप एक बार उनके कान को देखो। कोरोना काल आया, इस कोरोना काल में जो वैक्सीन जो आपको आज लगा रहे हो, पूरी हिंदुस्तान में जो वैक्सीन आपको दिया जा रहा है, उस वैक्सीन का अगर पहला जिनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको ट्रायल देश जो हुआ था पूरी हिंदुस्तान में, पहला वो इंसान ये है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कोरोना काल में आज जो वैक्सीन लगा रहे हैं, उस वैक्सीन का अगर कोई ट्रायल अगर कोई किसी ने इस हिंदुस्तान का नौजवान युवा फिर अगर किया है तो ये भाई साहब ने किया है। जोरदार तालियां और पल के लिए, जोरदार तालियां भाई, तालियां बजाओ। आपने वैक्सीन लगा रहे हैं, कौन वैक्सीन लगाया, वैक्सीन कौन लगाया भाई, ताली बजाओ।